संभल में एक युवक को शादीशुदा महिला से प्यार करना भारी पड़ गया। जब वो महिला के बुलाने पर गांव पहुंचा तो महिला के पति ने दी युवक को खौफनाक सजा। अरे यार टेंशन मत लो, मैं हाँ करवाने के लिए तुम्हें कभी नहीं धमकाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो बोल दो, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। सच्ची वो किसी को दिल दे बैठा था। वो उससे बेपनाह प्यार करता था। नाता है कुत्तो और साथी कहाँ है? रात की अंधेरे में मिलने गया वो तो लिख दी खौफनाक दास्तान। मोहब्बत करना उसकी जान पर भारी पड़ गया। उसका गुनाह ये था कि वो जिस पर दिल हार बैठा था वो शादीशुदा थी और अक्सर अपने घर बुलाया करती थी। जमाने से छिपाकर अपने संबंधों को रखा था, लेकिन वो रात इस रिश्ते पर भारी पड़ गया। संभल के असमोली थाना इलाके के मनोटा गांव में अकरम की आंखें एक महिला से चार हो गई, लेकिन ये रिश्ता पाक नहीं था क्योंकि जिस महिला से अकरम प्यार करता था वो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन फिर भी वो महिला अकरम से लगातार मिलती रही। एक रात महिला ने अकरम को गांव में मिलने के लिए बुलाया और यही खौफनाक साबित हुआ। दरअसल अकरम महिला से मिलने उसके गांव गया। इसी दौरान किसी को भनक लग गई। जैसे ही अकरम महिला के पास पहुंचा तभी महिला का पति पूरे गांव के साथ वहां पहुंच गया। लोगों की भीड़ देखकर अकरम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। अकरम लगातार छटपटाता रहा, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बेरहम हो चुका महिला का पति अकरम पर हैवानियत दिखाने लगा। अकरम को बांध कर बेरहमी से पीटा और तब तक पीटा जब तक अकरम बदहवास नहीं। इस दौरान अकरम के पूरे कपड़े उतार दिए गए और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। अकरम के साथ हुई हैवानियत की वीडियो सामने आई है, जिसमें उसे बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। वो लगातार खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया और पीट पीट कर मरने की हालत तक पहुंचा दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस खौफनाक वारदात में शामिल महिला के पति और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अकरम को मोहब्बत की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जिससे वो प्यार करता था वही फरेबी निकली और ये फरेब अकरम की जान पर भारी पड़ा। उबैदुर रहमान, संभल, एबीपी गंगा। यार रुक रहे एक ब्रेक के लिए, हाई अलर्ट जारी है, कहीं मत जाइए।